क्या बात है बच्चों, आज काम पर नहीं गए? बाबा हम जोसेफ का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, कहाँ है जोसेफ? आपका लाला बेटा अभी तक सो रहा है। बाबा वो तो एकदम निकम्मा है। हाँ, वो सारा दिन आवारा गर्दी करता फिरता है और सारा काम हम ही को करना पड़ता है। मेरे बच्चों, जोसेफ अभी छोटा है, तुम लोग उससे बड़े हो। तुम्हारा फर्ज है उसकी देखभाल करो, उसे प्यार मोहब्बत दो, बड़ा होके खुद ब खुद समझ जाएगा। मेरे बच्चों, पेड़ बड़ा होके ही फल देता है। अरे बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आप जाइए और उसे भेजिए। अच्छी बात है, मैं उसे भेजता हूँ। देखिए भैया, आप कुछ भी कहिए, बाबा हमेशा उसी की हिमायत लेते हैं। मैं तो कहता हूँ बाबा के लाड़ प्यार ने उसे नाकारा बना रखा है, उसे सर पे चढ़ा रखा है। हमारे हिस्से में तो बस मेहनत और मशक्कत है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। देख लेना, एक दिन बाबा खुद ही पछताएंगे। बाबा के बारे में ऐसा सोचना बुरी बात है, उनकी नजर में तो हम सब बराबर हैं। जोसेफ, जोसेफ, उठो बेटा, उठो मेरे अजीज। बेटा तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोने दो ना बाबा। देख तो सही, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया बाबा, उठ तो दिखाओ क्या है। ये देख। ओ मेरे अच्छे बाबा, आप मेरे लिए कितना खूबसूरत तोहफा लाए। अच्छा अब तैयार हो जा। ठीक है बाबा, आप चलो, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है, आज खाना तैयार करने में भी देर कर दी। बाबा आज सबकी पसंद का खाना बनाया इसलिए जरा वक्त लग गया। अच्छा अच्छा चलो जल्दी करो। जाने के लिए तैयार हो जाओ, जो सब आ रहा है। अच्छा ये लो बच्चों, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत उम्दा खाना बनाया है, आपस में मिल बैठ कर खा लेना। और हाँ, तुम ढलने से पहले घर जरूर आ जाना। ठीक है माँ। देखो माँ, देखो भैया, देखो ये बाबा ने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया है। अच्छा है ना माँ? हाँ बहुत अच्छा है। सभी अच्छी चीजें जोसेफ के लिए ही तो है। बाबा मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम आपके हैं ही नहीं। कौन कहता है बच्चे कि तुम मेरे नहीं हो, तुम सभी मेरे जिगर के टुकड़े हो, इस खानदान की चिराग हो। बेटे जरा सोचो, जोसेफ अभी छोटा है। आपस में झगड़ा मत करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब तुम जाओ, जानवर सुबह से भूखे हैं। जाओ बेटा जाओ, जाओ, जाओ चलो चलो। अच्छा पागल है बच्चे। ए, तुम अपनी बकरियां हमारे इलाके में क्यों ला रहे हो? चल चलो यहाँ से। क्यों जाए हम यहाँ से? चलो चलो यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक ने ये जमीन सभी के लिए बनाई है, क्यों जाए हम यहाँ से? नहीं तेरे को समझ नहीं आती। वाह भैया, आज तो लेवी ने कमाल कर दिया। भैया मुझे भी खाना दो ना। ये ले। मुझे ये नहीं चाहिए, दो? मुझे माँ का दिया खाना दो। अरे दो भाई, माँ के लाडले को माँ का खाना दो। लो, ले, ले जा। वाह वाह, बहुत बढ़िया गया लेवी ने।
है मालिक, तू बड़ा रहम दिल है, मैं तेरा एहसान मंद हूं कि तूने मुझे हजारों खुशियां बख्शी हैं। है मेरे सच्चे बादशाह, आज दिन भर के किए हुए हमारे गुनाह माफ कर दे। आमीन। बच्चों, आज दोपहर का खाना कैसा लगा? वाह, लाजवाब था, बड़ा मजा आया। नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है, मेरे सिवा किसी ने भी तुम्हारा दिया खाना नहीं खाया। तो क्या तुम लोग सारा दिन भूखे रहे थे? नहीं माँ, इन्होंने एक लड़की की बकरी चुराकर उसका गोश्त भूनकर खाया और उसके साथ बदतमीजी भी की। नहीं बाबा, यह हकीकत नहीं है। चुप रहो, जोसफ कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे बच्चों, मालिक से डरो, अपने आप को संभालो। तुम लोगों की वजह से पहले ही खानदान बहुत बदनाम हो चुका है। मुझे मालिक की नजरों में और मत गिराओ, और मत गिराओ बेटा। हमें बहुत अफसोस है बाबा, हमें माफ कर दीजिए, हम लोग दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। दरअसल बाबा, जहां हम अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जाते हैं वहां चारा बहुत कम है, इसलिए हम दूसरे चरवाहों को वहां आने से रोकते हैं। बेटो, मालिक की जमीन पर सभी का हक है। मुझे उम्मीद है आप तुम लोग किसी से झगड़ा नहीं करोगे। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ दिनों के लिए सच्चे में चले जाएं, वहां चारा भी काफी है। ठीक है, इन्हें सचम जाने दीजिए। लेकिन बाबा, जोसफ को हमारे साथ मत भेजिए, ये हमारे लिए परेशानियां पैदा करता है। ठीक है, जोसफ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, कल सुबह तुम सब लोग जाने की तैयारी करो। अरे अशर, सामान रखो। भैया, ये लो पानी। अरे लाओ जोसफ, ये लो ले भी। भैया हाँ, कल रात मैंने दो ख्वाब देखे, मैं आपको बताऊं। अरे हाँ, बोलो ना, जल्दी बोलो, हमें जाना है। भैया, पहले ख्वाब में मैंने देखा कि चांद सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, फिर मैंने देखा कि हम सब लोग बाबा के साथ खेत में फसल काटने में जुटे हैं। अचानक खेत में आप सब लोगों के गट्ठर अपने आप खड़े हो जाते हैं और मेरे गट्ठर के चारों तरफ घूम घूम कर मुझे सजदा करते हैं। अच्छा नालायक, हम तुझको सजदा करेंगे, सलाम करेंगे, हम तेरी गुलामी करेंगे, तू हमारा आका बनेगा। तू हमारा बादशाह बनेगा, बताऊं तुझे? क्यों मार रहे हो इसे? झगड़ा ना करे तो क्या करे बाबा, इसकी इबादत करे। कहता है ये बादशाह बनेगा, हम सब और आप भी इसके गुलाम होंगे, आपका भी गुलाम बनाएगा बाबा। बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो अपने ख्वाब के बारे में बताया था। जोसफ ऐसी उम्मीद नहीं थी बाबा। अपनों से बड़ों के बारे में ऐसा सोचना मालिक की निगाह में गुनाह है। तुम उम्मीद कर सकते हो मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे ये बड़े भाई तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे, तुम्हारी गुलामी करेंगे? मेरे बच्चे, बड़ों की इज्जत करने से ही छोटों की इज्जत होती है। तुम लोग जाओ, जाओ यहां से, चल। बाबा, बाबा आओ चलें बाबा। बाबा, एक रोटी और ले लो। नहीं बेटा, और नहीं।
क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं, बच्चों के बारे में सोच रहा था। चंद दिनों की तो बात है, आ जाएंगे। जानता हूं ली, वो हमेशा के लिए नहीं गए हैं, लेकिन जोसेफ के ख्वाब ने मुझे अंदर से हिला दिया है और यही मेरी परेशानी की वजह है। पता नहीं हम पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। फिक्र ना करो, मालिक सब ठीक करेगा, उसी ने तो हम सबको बनाया है। मालिक की मेहरबानी पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन सोचता हूं जोसेफ को उसके भाइयों के पास सेचम भेज दूं, वो उनकी और जानवरों की खैर खबर ले आएगा। ठीक है, कल ही भेज देते। हाँ यही ठीक होगा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, बेटा भाइयों की खैर खबर लेके लौटना, जल्दी आना, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा। अच्छा माँ। अच्छा बेटा। भैया जल्दी वापस आ जाना। जल्दी आऊंगा। दस बारह लोग बकरियां चराने आए थे, क्या तुमने उन्हें देखा है? हाँ, वो लोग दो था गए। अच्छा, देखो लेडी, वो शैतान आ रहा है। अब की बार उसे सबक सिखा ही दो। चलो। ये भैया, जोसेफ आ रहा है, है? इसकी वजह से हमें बहुत नीचा देखना पड़ा है। आज इस रास्ते के कांटे को साफ कर ही दो, इस मुसीबत की जड़ को निकाल कर फेंक दो। हाँ, ये ख्याल बुरा नहीं है। अब तो कोई ना कोई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। भैया क्यों ना इसे खत्म कर दें? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बाबा जी क्या कहेंगे? बाबा को कह देंगे कोई जंगली जानवर खा गया। किसी को मारना गुनाह है, फिर जोसेफ तो हमारा अपना भाई है। मुझे इस खतरनाक साजिश को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। सुनो भाइयों, जोसेफ को मारकर हमें कोई सबाब नहीं मिलने वाला, वो हमारा अपना खून है। अगर तुम उसको रास्ते से हटाना चाहते हो तो उसको इस सूखे कुएं में डाल दो, जंगली जानवरों का शिकार हो जाएगा। हाँ, ये तरकीब अच्छी है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। भैया आप लोग कैसे हैं? आइए, हमारे आका, हमारे बादशाह, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने क्या गुनाह किया है? मुझे तो बाबा ने आप लोगों की खैर खबर लेने के लिए भेजा है। हमारी खैर खबर लेने भेजा है? तेरी खैर खबर बाबा, मां ले चलो इसको कुएं के तरफ। बाबा बाबा।
अरे भाइयों, मुझे एक नई तरकीब सूझी है। क्या? अगर उस कुएं में उसे जंगली जानवर खा गए तो ये तो गुनाह होगा, तो क्यों ना हम उसे उन सौदागरों के हाथ में बेच दे। अरे माल भी मिलेगा और मालिक की नजर में गुनाह करने से भी बच जाएंगे। ये ठीक है, ठीक रहेगा। हजूर, मैं आपकी खिदमत में एक गुलाम लेके आया हूँ। मैं इस गुलाम की कीमत सिर्फ 10 अशरफिया दे सकता हूँ। 10 तो कम है हजूर, देखिए ना कितना मजबूत है। आप 20 दे दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, लो। गुलाम को लाओ। चलो मैं गुलाम बनाना चाहता था। हैं? जा जा, आप जिंदगी भर गुलामी कर जा। बाबा पहचानिए, ये जोसेफ का ही है क्या? हाँ, ये जोसेफ का ही है। कहाँ है जोसेफ? क्या हुआ उसे? तुम लोग बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ उसे? बाबा, हमने उसकी बहुत तलाश की, वो हमें कहीं भी नहीं मिला। ये लिबास उसका रास्ते में पड़ा मिला। वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। नहीं, मेरे बाले, ये क्या किया तूने मेरे बाले? ये मुझे क्या दुख दिखाया? ए मेरे मालिक, ये कौन से बिजली की रात तूने मेरे परिवार? क्या हुआ मेरे मालिक? मेरे जोसेफ नहीं रहा, वो छोड़ के चला गया आपको। मेरे लगते जिगर, मैंने क्यों भेजा तुझे? मैं पहले ही खौफता था, मुझे क्या मालूम था तुम मुझसे दूर हो जाएगा। मैं तेरे बिना एक जिंदा लाश की तरह जीऊंगा। मेरे बच्चे। आपकी खिदमत में हम ये गुलाम पेश कर रहे हैं। इसकी 50 अशरफियां मिलेंगी। इसकी जवानी देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, कम से कम 100 अशरफियां तो मिलनी चाहिए हजूर। ठीक है, 100 अशरफियां मिल जाएंगी।
इस गुलाम को इसका काम समझा दो। जोसेफ, ये अच्छी बात नहीं है मालकिन, ये गुनाह है, आप मुझे मजबूर ना करें। जोसेफ, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। आप सही फरमा रहे हैं हुजूर। आप इसे मेरा खास नौकर क्यों नहीं बना देते? ठीक है, आज से तुम महल में ही काम करोगे। जो हुक्म मेरे आका। कमरे की सफाई ठीक से कर दो। जो हुक्म मालकिन। रहे हो मालकिन, आप जो चाहती हैं वो मैं हरगिज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मालिक की नजर में ये गुनाह है। मेरे आका को मुझ पे भरोसा है, उन्होंने बहुत सी जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है, लेकिन आप पर मेरा कोई हक नहीं। आप उनकी बेगम हैं, आपके लिए ये गुनाह करना जायज नहीं है। मैं तुम्हारी मालकिन हूं और मैं तुम्हें ये हुक्म देती हूं। नहीं मालकिन, मैं आपके हुक्म की तामील नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। यह गुनाह मुझसे कभी नहीं होगा। जोसेफ, मुझे इजाजत दीजिए। सिपाहियों, सिपाहियों, इस नमकहराम गुलाम ने मेरी बेइज्जती की है। जाओ, फौरन जाओ, अपने आका को बुला के लेके आओ। आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपने मुझे फौरन क्यों बुलवा दिया? मेरे सरताज, मेरे मालिक, उस दमक हराम गुलाम जोसेफ ने आज मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, जिसे कि आप एक ईमानदार और सच्चा इंसान समझते थे। इसे आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ए नौजवान, देखने में तो तुम बहुत मासूम दिखते हो, कैद खाने में कैसे पहुंच गए? हुजूर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, बिना जुर्म के ही कैद खाने में कैद हूँ, शायद मालिक की यही रजा है। अच्छा, तुम सबको जी तोड़ मेहनत करनी है, चलो अब अपने अपने काम पे चले जाओ। जोसेफ,
बाबा बाबा हम लोग काम पर जा रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो बेंजामिन को साथ ले लें। नहीं, कभी नहीं, मैं हरगिज नहीं चाहता कोई हादसा फिर पेश आए। मेरे खानदान का एक चिराग पहले ही बुझ गया है, क्या तुम तवक्को करते हो मैं अपने इस फूल जैसे बेटे को अपने ही हाथों से आग में डाल दूं? मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, आज से मैं तुम्हें तमाम कैदियों का मुकदम मुकर्रर करता हूं। ये दो शाही कैदी हैं, इनको भी तुम्हारे सपोर्ट करता हूं। इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? कोशिश करता हूं मेरे आका। जहां पना मेरी तमाम जादुई कुवतें नाकाम हो गई हैं, मैं अपनी जान की बख्शिश मांगता हूं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा काबिल आदमी नहीं जो हमारे ख्वाबों की ताबीर बता सके। आलम पना, जान की सलामती हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? जहां पना, जब मैं कैद खाने में कैद था तब मैंने और बावर्ची ने अजीब अजीब ख्वाब देखे। हमने अपने अपने ख्वाब कनान के रहने वाले एक कैदी जोसफ को सुनाए। उसने हमारे ख्वाबों का जो मतलब बताया हूबहू वही हुआ था अपना। नतीजतन आपने मेरी जान तो बख्श दी और शाही बावर्ची को सजाए मौत सुना दी। पुतिफार, उस कैदी को रिहा करके हमारे सामने पेश किया जाए। जो हुक्म जहां अपना।
जहां पना हिब्रू गुलाम जोसेफ आपके सामने हाजिर है। तो क्या यह सच है कि तुम ख्वाबों की ताबीर बता सकते हो? आका, आप अपना ख्वाब बताएं, मैं कोशिश कर सकता हूं, बाकी सब मालिक की रजा है। मैंने दो ख्वाब देखे हैं। पहले ख्वाब में मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं, 7 तंदुरुस्त गायें नदी से निकलती हैं और मैदान में जाके चरने लगती हैं। तभी 7 और भूखी गायें उसी नदी से निकलकर इन तंदुरुस्त गायों को खा जाती हैं और फिर भी भूखी रह जाती हैं। और दूसरे ख्वाब में मैंने देखा कि 7 हरी भरी गेहूं की बालियां लहरा रही हैं और दूसरी 7 सूखी और सड़ी बालियां इन हरी भरी बालियों को खा जाती हैं। जहां पना, आपके दोनों ख्वाबों का एक ही मतलब है। इनसे यह जाहिर होता है कि आने वाले 7 सालों में अनाज की पैदावार अच्छी होगी, लेकिन उनसे अगले 7 सालों में भयानक कहत पड़ेगा। लोग दाने दाने को तरसेंगे, भूख और मौत का मंजर होगा। तो क्या सारा मुल्क तबाह हो जाएगा? जापना, आप फिक्र ना करें, इस मुसीबत से बचने का एक रास्ता है। बताओ क्या रास्ता है, क्या तजवीज है तुम्हारी? मेरे आका, हमें पहले के 7 सालों में कुदरत की मेहरबानियों का खूब फायदा उठाना चाहिए, यानी हमें अपनी जरूरत से ज्यादा दुगना चौगना अनाज पैदा करना चाहिए और साथ ही आपको बड़े बड़े गोदाम बनवाने चाहिए जिसमें हम बचा हुआ अनाज जमा कर सकें, जो हम कहत के वक्त अपने मुल्क में बांट सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपको अपने मुल्क के किसी तजुर्बेकार इंसान को सौंपनी चाहिए। शाबाश नौजवान, लगता है मालिक ने तुम्हें हमारे मुल्क और अवाम को बचाने के लिए यहां भेजा है। मुझे तुमसे बेहतर और कोई नजर नहीं आता। मैं तुम्हें इसी वक्त मिस्र का हाकिम मुकर्रर करता हूं। तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगे, सारा मिस्र तुम्हारा हुक्म मानेगा। मैं तुम्हें शाही अंगूठी देता हूं, अपने हर फैसले पर इसका मोहर लगा के उसे शाही फरमान बनाऊंगा। कोई तुम्हारी हुक्म उदूनी नहीं करेगा। फारूक का ये फरमान जारी किया है। जा बना, आपने जो मुझे ये इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और हां, आपकी बेटी की शादी मैं जोजफ से कराने का ऐलान करता हूं। ये तो मेरी इज्जत अफजाई ही हाथ में पड़ा। जोसेफ, तुम्हारी वजह से हमारे मुल्क की आवाम को राहत मिली है। मुझे यकीन है कि तुम अपने मकसद को हासिल करने में कोई भी कोताही नहीं बरतोगे। इस काम के लिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताओ। जा बना, मालिक के करम से और आपकी मदद से हमने काफी गेहूं जमा कर लिया है। हमारे गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं, अब हमें कोई फिक्र नहीं। मरहबा जोसेफ, तुम जैसा ईमानदार, मेहनती और सुकून पसंद हाकिम पर मुझे फक्र है। तुमने मेरे मुल्क की हिफाजत के लिए जो नक्शा बनाया है
मैं उसे मुतमईन हूं। ये सब आपका करम है जापाना। आप हमारे सरदार हैं, कहत के साए ने हम सबको तोड़ दिया है, ऐसे में आप ही कोई तरकीब सुझाइए, आप ही कोई रास्ता बताइए। यह हकीकत है कि कहत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कुएं सूख चुके हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं, धरती का सीना सूख चुका है, अनाज की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाबा, मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब भाई जाकर वहां से कुछ अनाज खरीद लाते हैं। बच्चों की, हम सबकी जान बचा लो बाबा। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो। हमें इस कहत से बचाइए मेरे आका। आप लोग घबराइए मत, मालिक का हम पे करम है, हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, आप लोग अशर्फियां देके अनाज ले जा सकते हैं। हजूर, हमें भी कुछ अनाज चाहिए। कौन है आप लोग, कहां से आए हैं? जी, हम कनान के बशिंदे हैं। बाहरी आदमियों को बड़े हकीम के फरमान के बगैर अनाज नहीं मिलता। हजूर, कुछ बाहरी लोग अनाज खरीदना चाहते हैं। सीमियन, गैड, जुडा, रूबेन, ये सब तो मेरे भाई हैं, लगता है इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। बेंजामिन नजर नहीं आ रहा, बाबा भी नहीं है। ये वही जालिम हैं जिन्होंने मुझे बेशुमार तकलीफें दी, मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया, मुझे बाबा से अलग कर दिया। कहीं बेंजामिन के साथ भी तो इन्होंने बुरा बर्ताव नहीं किया, कहीं उसे बेच तो नहीं दिया, कहीं उसे मार तो नहीं दिया। बाबा का क्या हुआ? मुझे सच्चाई की तह तक पहुंचना ही होगा। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? आका, हम लोग कनान से आए हैं, कहत की वजह से बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें उनके लिए अनाज चाहिए। मेरे आका, हम लोग जैकब के 12 बेटों में से हैं। लेकिन तुम तो 10 दिखाई देते हो। हमारा छोटा भाई बेंजामिन बाबा के पास घर में है। हमारा एक भाई और था जोसेफ, वो जंगली जानवरों का शिकार हो गया। मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है, तुम लोग लुटेरे लगते हो। नहीं आका, नहीं, हम मालिक की कसम खाकर कहते हैं, हम कनान के ईमानदार और शरीफ लोग हैं, हम पर रहम फरमाए, हम पर रहम फरमाए। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हें अपनी ईमानदारी का सबूत देना पड़ेगा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें और कैद खाने में डाल दो। आका, आका रहम। आज आप बहुत परेशान हैं, बात क्या है?
मेरी परेशानी की वजह मेरे भाई हैं। आज वो लोग हमारे पास गेहूं खरीदने आए थे। उन्होंने बताया कि कनान में भी कहत पड़ा है। उन्होंने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने पहचान लिया। वो लोग आज भी झूठ बोल रहे थे कि मैं मर चुका हूं। मैंने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने में? ये आपने ठीक नहीं किया। अगर आप उन्हें कैद खाने में रखेंगे तो बाबा के पास अनाज लेकर कौन जाएगा? क्या आप चाहते हैं कि कनन के लोग कहत से भूखे मर जाए? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। इन लोगों को बाहर निकालो। तुम लोग जा सकते हो, लेकिन जब तक बेंजामिन यहां नहीं आएगा तब तक तुम्हारा यह भाई हमारे पास जमानत के तौर पर रहेगा। देखो बाबा, हाँ, देखो कितना अनाज लेके। हाँ बेटा, ये सिमियन दिखाई नहीं देता। सिमियन कहाँ है? बाबा, सिमियन को मिस्र के बड़े हाकिम ने जमानत के तौर पर रख दिया है। जमानत के तौर पर? किसकी जमानत? कैसी जमानत? ओ बाबा, बाबा वो बात ऐसे है कि उसने समझा कि हम वहां चोरी करने के लिए आए हैं। चोरी? हाँ बाबा, और उसने फैसला किया है कि जब तक हम बेंजामिन को उसके सामने पेश नहीं करेंगे वो सिमियन को नहीं छोड़ेगा। जोसेफ को मैं पहले ही खो चुका हूँ, सिमियन गिरफ्तार हो चुका है, बेंजामिन की जिंदगी मैं अब खतरे में नहीं डाल सकता। बाबा बाबा, अगर हम बेंजामिन को उसके सामने नहीं ले गए तो हमारे तो खानदान का वजूद खत्म हो जाएगा। मालिक पर भरोसा करने वाले कभी कमजोर नहीं पड़ते बाबा। इस हालात में बेहतर यही होगा कि सिमियन को छुड़ाने के लिए मैं खुद जाऊं। बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। अच्छा जा। जाओ तुम लोग, लौटती बार अनाज और लेते आना। अच्छा बाबा। यहाँ कैद कितने दिन चले इसका कोई भरोसा नहीं है। कोई दिक्कत तो पेश नहीं आ रही? सब ठीक चल रहा है हुजूर। हुजूर, तो लौट आए तुम लोग? जी हुजूर। तुम्हारा भाई कहाँ है? जी ये। तो तुम बेंजामिन हो, तुम्हारे बाबा कैसे हैं? वो जोसेफ भैया की याद में सब कुछ भूल चुके हैं। बाबा को बस उसी का गम खाया जा रहा है। इसका मतलब तुम्हारे बाबा जोसेफ को दिलो जान से चाहते थे। तो क्या अब हम अपने भाई से मिल सकते हैं? इनके भाई को छोड़ दो। जी हुजूर। आप लोग आज यहीं आराम करें, रात को खाने में मुलाकात होगी। जी लीजिए और लीजिए। बेंजामिन, अच्छी तरह से खाओ। जी हजूर।
आप लोगों को मिस्र का शाही खाना कैसा लग रहा है? बेहद उम्दा। आप लोग हमारे खास मेहमान हैं। खाइए और खाइए। आज रात आप लोग यहीं आराम करें और कल जाते वक्त जितना अनाज चाहिए ले जाइए। बेंजामिन, क्या तुम्हें अपने मरहूम भाई जोसेफ की याद आती है कभी? मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? जोसेफ भैया मुझे बेहद प्यार करते थे, कितने अच्छे थे वो। तुम लोग नहीं जा सकते हो, बड़े हाकिम का हुक्म है। तुम लोगों ने बड़े हकीम का इबादत वाला प्याला चुराया है, तुम लोगों की तलाशी ली जाएगी। यही तो है वो प्याला। बेंजामिन, तुम क्यों किया तुमने ये सब? क्या जरूरत थी तुम्हें ये करने की? भैया भैया, ये गुनाह मैंने नहीं किया, ये प्याला मैंने ही चुराया। इसका फैसला बड़े हकीम करेंगे, चलो तुम लोग। ये चांदी का प्याला मिल गया हुजूर। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, मेरे एहसानों का तुमने ये बदला दिया है? क्या सोच के किए ये सब? हुजूर, आप यकीन कीजिए, ये प्याला मैंने नहीं चुराया, मैं बेकसूर हूं। बेंजामिन बहुत मासूम और नादान है आका, आप हमें माफ कर दें। अगर हम बेंजामिन और सिमियोन को वापस लेके नहीं गए तो हमारे बाबा जी नहीं पाएंगे। मेरे आका, बाबा की खातिर हम पर रहम कीजिए। जोसेफ के गम में तो बाबा पहले ही टूट चुके हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि तुमने जोसेफ को 20 चांदियों की अशर्फियों के बदले बेच दिया था? नहीं मेरे आका, हमें बदनाम करने के लिए किसी ने आपसे झूठ बोला है। झूठ मत बोलो जूड़ा। आका, ये बात सच है कि हमने जोसेफ को बेच दिया था। हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, आप हमें माफ कर दो। तुम लोगों ने समझा कि जोसेफ मर गया, लेकिन जिसकी हिफाजत मालिक करता है उसे कोई मार नहीं सकता। गौर से देखो, गौर से देखो मुझे और पहचानो, मैं जोसेफ हूं, कनान का रहने वाला जोसेफ, तुम लोगों का भाई जोसेफ। जोसेफ? तुम जोसेफ हो? हाँ मेरे भाई, मैं जोसेफ हूं। जोसेफ, जोसेफ, हमें माफ कर दो। खैर ये सब बातें छोड़ो, आप लोग जल्दी जाइए और बाबा और सब लोगों को लेकर आ जाइए। ये कहत बहुत सालों तक चलेगा, जाइए, देर ना कीजिए। ठीक है जोसेफ, मैं बाबा को जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। ये देखो बाबा, बादशाह ने आपके लिए कितने कीमती तोहफे भेजे। देखो बाबा। बाबा एक और खुशखबरी भी है बाबा। क्या? जोसेफ अभी जिंदा है बाबा। सच? हाँ बाबा, जोसेफ अभी जिंदा है। जोसेफ अभी जिंदा है। जोसेफ अभी जिंदा है। जोसेफ अभी जिंदा है। जोसेफ अभी जिंदा है।
मेरे मालिक, तू बड़ा करिश्माई है, तू बड़ा रहम दिल है, मेरे वीरान गुलशन को तूने पुरपहार कर दिया। मैं तेरा तय उम्र शुक्रगुजार रहूंगा मेरे मालिक। बाबा, वो तो मिस्र का बहुत बड़ा हाकिम भी है। हाँ, हाकिम भी है। बाबा, भैया ने ये चादर खास तौर से आपके लिए दी है। क्या? ये जोसफ ने मेरे लिए दी है? हाँ। खास मेरे लिए? हाँ। जोसफ ने ये चादर मेरे लिए दी है, मेरे लिए। हाँ बाबा, और उसने हमें ये भी सलाह दी है कि हम ये जगह फौरन छोड़ दें, क्योंकि ये कहर काफी अरसे तक चलेगा। और बाबा, उसने हमें मिस्र में आकर बसने की दावत भी दी है। उसने मुझे मिस्र में बुलाया है, मैं भी उससे मिलने के लिए बहुत बेकरार हूँ, बहुत बेकरार हूँ उससे मिलने के लिए। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, मुझे बुलाया उसने मिलने के लिए। मेरे बच्चों, चलने की तैयारी करो, हमें उसके पास जाना है, हमें उसके पास जाना है। आप आज इतना परेशान क्यों हैं? इतने दिन हो गए, बाबा भी तक नहीं आए। आ जाएंगे, परेशान मत होइए। पहुंच गए, यही है जोसफ का महल। बेटा, जल्दी से जोसफ को बुलाओ ताकि मेरे बेकरार दिल को सुकून मिले। हाँ बाबा, जाता हूं। आप लोग ऐसे करो, आप यहां आराम करो, मैं अभी आता हूं। जा बेटा, जा। हाँ जा। आप लोग आ गए? हाँ जोसफ, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग बच्चों को लेकर आइए। बाबा, हमें माफ कर दो बाबा, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था बाबा। गुनाह हो गया था? हाँ बाबा, जो हमने आपसे छुपा रखा था। क्या? दरअसल हमने जोसफ को गुलाम बनाकर बेच डाला था। क्या? तुम लोगों ने मेरे फूल जैसे बेटे को गुलाम बनाकर बेच दिया। हमें माफ कर दो बाबा। तुम्हें अपने गुनाहों की माफी जोसफ से मांगनी चाहिए। मेरा जोसफ बाबा, मेरे हसीज बाबा, मेरे जिगर के टुकड़े, उठ मेरे बच्चे, उठ मेरे जिगर के टुकड़े, उठ बाबा, उठ मेरे बच्चे, मेरे बाबा, मेरे बच्चे, तेरे बिना वीरान थी मेरी जिंदगी, मेरे मालिक ने उसे पुरबहार कर दिया, मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी मेरे बच्चे, मैं जिंदगी भर उसके एहसान को भूल नहीं सकता। मेरे बच्चे, बाबा, मैं अब चैन से मर सकूंगा। बाबा, बाबा मैं भी ऐसे ही तड़पता रहा हूं, ऐसे ही तड़पता रहा हूं बाबा, मैं आपको कभी काबिल नहीं हो पाया हूं बाबा, आपसे कभी काबिल नहीं हो पाया हूं। बाबा, ये देखो जोसफ के बच्चे। बाबा, बेटी, मेरे बच्चों,
हजारों साल जियो मेरे बच्चों, हजारों साल। उठिए मेरे भाइयों, उठिए। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो जोसेफ, हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी। नहीं नहीं, आप लोगों से कोई गुनाह नहीं हुआ है। मैं तो मालिक का एक अदना सा बंदा हूं। नेकी और बदी का इंसाफ तो मालिक ही कर सकता है, वो इंसाफ करने वाला मैं कौन होता हूं? शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। तेरे भाइयों ने तुझे सताया, तुझे बेचा, तुझे गुलाम बनाया, फिर भी तूने उनको अपने गले से लगाया, उन्हें माफ कर दिया। आफरीन मेरे बच्चे, आफरीन। मालिक की रहमतें तुझ पे बरसे मेरे बच्चे, आफरीन, आफरीन मेरे बच्चे। बाबा आओ, बाबा हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, एक ऐसी दुनिया बसाएं जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार हो, नफरत, जलन और इंतकाम की कोई गुंजाइश ना हो। आओ। प्रेम का दर्शन चमादान है, प्रेम का दर्शन चमादान है, खुशियों का धन चमादान है। प्रेम का दर्शन चमादान है, प्रेम का दर्शन चमादान है, प्रेम का दर्शन चमादान है।